मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव नारायणपुर बाजार से, मेरा नाम रशीदा तरन्नुम है। मेरे नीट 2023 में 667 मार्क्स हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 3207 है। मेरी कैटेगरी रैंक 278 नहीं आना था क्योंकि मुझे मैथ्स ज़्यादा अच्छी। तालीम मेरे गांव में ही हुई नॉर्मल स्कूल में, और हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली आई। जामिया से मैंने 12th पास आउट किया है और फिर मैंने यहाँ पे शाइन एकेडमी ज्वाइन किया और मेरा नीट फाइनली क्रैक हुआ है। आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे डॉक्टर बनने का ख्याल क्यों आया। मतलब कुछ करने के लिए हर किसी को अपना मोटिवेशन होता है। मेरा मोटिवेशन था, मैं 10th में थी तो मेरी भांजी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे वहाँ पर 6 दिन रहना पड़ा कंटिन्यू। वहाँ पर जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का रवैया था वो बहुत अजीब सा था, बहुत रूड था, जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा था। इवन ANM सब जो होते हैं, नॉर्मल नर्सेज होते हैं, वो भी मतलब खुद को खुदा समझ बैठे थे। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और मैं इनसे बेहतर बनूं। और इस जो राजा और प्रजा वाली सिस्टम है उसको मैं ख़त्म करूं, हम इक्वली रहें और अच्छे से बात करें लोगों से। तो मेरे जहन में उसी वक्त ये आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, वरना मुझे इंजीनियरिंग या आर्ट्स में ही जाना था। लेकिन सोच तो लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन अब कैसे बने। तो मैंने, क्योंकि एक तो गांव से आप पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड है, हिंदी मीडियम है, एजुकेशन सिस्टम आपको पता होगी कि कैसी है वहाँ की। तो मतलब सोच तो लिया लेकिन अब इसको करें कैसे। तो मैंने, मेरे भाई AME में उस टाइम पर पढ़ते थे तो मैंने उनसे बात करना बहुत अच्छा समझा। मैंने उनको बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं क्या करूं, मैं कैसे पढूं। तो उन्होंने फिर मुझे बुक्स भेजी बहुत सारी AMU की तैयारी के लिए। फिर मैंने तैयारी करी AMU और जामिया के लिए। और फिर मेरे भाई जब आए तो उन्होंने मुझे 9th-10th की पूरी बेसिक्स क्लियर करवा दी। और जब मैं यहाँ पर आई तो मतलब मैंने 11th का जामिया क्रैक कर लिया और मेरा AMU में भी वेटिंग लिस्ट में आ चुका था नाम। फिर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल कोचिंग ज्वाइन की और बोर्ड्स को पास किया। और जब मैंने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की तो मतलब लैंग्वेज बैरियर था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से आई थी और यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में था, तो लैंग्वेज बैरियर था। तो मेरे भाई ने मुझे 9th-10th में बहुत सारे इंग्लिश के टर्म्स बता रखे थे कि मतलब लाइक हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, हम हिंदी में पढ़ते थे इसको समावयवता। तो ये सब चीज़ें हिंदी टू इंग्लिश बहुत सारी टर्म्स मेरे भाई ने बता रखे थे। तो यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे मतलब इतनी दिक्कत नहीं हुई। और कभी जब कभी भी दिक्कत होता था तो मैं अपने भाई से पूछ लेती थी। मेरे भाई जो AMU अभी उनकी फ़िलहाल में दरभंगा में कोचिंग है, फिज़िक्स अचीवर, वो उनका नाम तकी अहमद उस्मानी है और दरभंगा में अभी फ़िज़िक्स का कोचिंग चला रहे हैं। तो मैं उनसे ही सारे मतलब पूछती थी कभी डाउट आता था तो। और 11th-12th में तो मैं कम्प्लीटली मैं कह सकती हूँ कि मैं उन पर डिपेंडेंट थी लैंग्वेज के लिए और ऑब्वियसली फ़िज़िक्स के लिए। फिर फर्स्ट ड्रॉप में भी, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था उस टाइम पे तो ऑनलाइन कोचिंग्स थी तो मुझे ऑनलाइन इतना पढ़ने में नहीं हो पाता है, मेरा सर दर्द हो जाता है फ़ोन से। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत साथ दिया, मैंने उनसे उस ड्रॉप ईयर में मैंने उनसे ही पढ़ा क्योंकि कोचिंग्स ऑनलाइन थी तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी और एक प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी पढ़ने के लिए। फिर फर्स्ट ड्रॉप के बाद जब अच्छे मार्क्स आए मेरे तो मेरे घर में लोगों को जज्बा आया कि वो मतलब कर सकती है, ये मतलब कर सकती है। तो उन्होंने मुझे एक यहाँ पे कोचिंग शाइन एकेडमी, शाइन बाग में ही है, उसमें दाखिला दिलवा दिया। और उस टाइम पे कोचिंग की फ़ीस बहुत कम थी और मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे तो मुझे 90% ऑफ मिला। मतलब मेरी एकेडमिक फ़ीस सिर्फ 8,000 थी पूरे ईयर की। और फिर यहाँ शाइन एकेडमी के सबसे अच्छी जो सिस्टम है वो ये है कि वो बच्चों को एंगेज रखते हैं 9 to 7। मतलब आप 9 बजे जाइए और टाइम के भी बहुत ज़्यादा पाबंद है वो लोग। 9 बजे जाना होता है, 9 to 1:30 क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स लेते हैं टीचर्स, फिर उसके बाद लंच होता है, नमाज होता है, फिर उसके बाद डाउट सेक्शंस होते हैं। आप उस दौरान अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या फिर डाउट ले सकते हैं टीचर्स से। टीचर्स 9 to 7 के बीच में हमेशा अवेलेबल होते हैं और उसके बाद भी आप चाहें तो फ़ोन पे पूछ सकते हैं। और तो टीचर्स काफ़ी सपोर्टिंग रहे हैं मेरे शाइन एकेडमी के और मैं उनको ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी।
सिस्टम पे, शाहीन के एनवायरनमेंट पे बहुत पढ़ाई वाला और बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल रहा है। और जाहिर है मैं अपने भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस जर्नी में पुश किया बहुत और आगे तक बढ़ने का हौसला दिया, हमेशा मोटिवेट किया। कभी बहुत बीच में डिमोटिवेशन हुई मुझे, सबको होती है क्योंकि जाहिर है होनी चाहिए, तो वो मुझे भी हुआ। तो वो हमेशा मुझे गाइड करते थे, समझाते थे इस्लामिक वे में, नॉर्मल दुनियावी में सब तरीके से समझाते थे। मेरी फिज़िक्स में बहुत अच्छी स्कोर है, मेरे 160 मार्क्स आए हैं इस बार नीट में। तो वो मैं कह सकती हूँ कि मेरी बेसिक्स बहुत क्लियर थी, लाइक नाइन्थ से मैंने बहुत अच्छे से फिज़िक्स को पढ़ रखा था। फिज़िक्स का मुझे कभी टेंशन नहीं था, इवन मैंने इस साल भी फिज़िक्स के फॉर्मूले को इतना तवज्जो नहीं दिया क्योंकि मेरा वीक पोर्शन थोड़ा बायो था, मैंने उस पर बहुत तवज्जो दिया और मैंने उसको बहुत अच्छे से किया। फिज़िक्स हमेशा से मेरा सही था क्योंकि मैं मतलब मेरे भाई ने मेरा बेसिक बहुत क्लियर कर दिया था, तो जब मैं पढ़ती थी तो वो बहुत आसानी से टीचर्स की बातें समझ में आ जाती थी, तो इसीलिए मेरा फिज़िक्स काफ़ी अच्छा रहा। और केमिस्ट्री भी अच्छे मार्क्स आए, मेरे 156 हैं केमिस्ट्री में, बायो में मेरे 351 हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मतलब मैं अपने बात को समराइज़ कर रही हूँ कि अगर इस साल जिनका नहीं हुआ है वो डिमोटिवेट ना हो, वो अपना हौसला कायम रखें और मेहनत करें, क्योंकि आप इतना मेहनत करके छोड़ रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी कह सकते हैं, क्योंकि फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने एक साल दो साल वेस्ट कर दिया, आप ईद पर बकरीद पर घर नहीं जा रहे, अपने फेस्टिवल्स पे घर नहीं जा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि आपको ये पूरा करना था और आप एंड मोमेंट पर आकर छोड़ेंगे तो फिर मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह पर भरोसा रखें और मेहनत करें। आप सबका, हम सबका यकीन है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, तो हमें उस चीज़ का यकीन होना चाहिए और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने बारे में पता है हम क्या कर सकते हैं।